हिमाचल में कालका शिमला नेशनल हाईवे पर NHAI ने विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की है। हाईवे के आखिरी छोर में कैथलिक घाट और शिमला के बीच विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनने जा रहा है। ये जापान में बने 275 मीटर पुल से भी अधिक ऊंचा होगा। बता दें कि इस पुल की ऊंचाई 3 कुतुब मीनार से ज्यादा होगी। पुल निर्माण के लिए करीब 280 मीटर ऊंचाई वाली ड्राइंग तैयार की गई है। इस एक्स्ट्रा डोज पुल का निर्माण शकराल में होगा। इस पुल को खाई की तरफ से 3 पिलरों पर बनाया जा रहा है। इनमें से एक पिलर की ऊंचाई 620 फुट होगी, जबकि खाई से पिलर के टॉप की ऊंचाई 826 फुट तक होगी। आपको बता दें कि ये पुल स्टेट ऑफ आर्ट तकनीकी से बनाया गया है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस पुल के निर्माण का जिम्मा NHAI ने गावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को सौंपा है। एक्स्ट्रा डोज पुल की कुल लागत 600 करोड़ रुपए आंकी गई है और 3 साल में इस पुल का निर्माण कार्य पूरा होगा। फिलहाल कैंथली घाट से शिमला तक के पूरे मार्ग की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 28.46 किलोमीटर है। इसके निर्माण की कुल लागत 3,915 करोड़ रुपए आएगी। मार्ग पर 5 सुरंगों का निर्माण होगा और करीब 5.14 किलोमीटर हिस्सा इन सुरंग से होकर गुजरेगा। इसमें सबसे लंबी सुरंग 2.66 किलोमीटर लंबी होगी। ये सुरंग संजौली बाजार के नीचे से गुजरेगी, जबकि सबसे छोटी सुरंग 242 मीटर की होगी। गौरतलब है कि कालका से शिमला तक नेशनल हाईवे को 4 लेन में बदलने का काम 4 चरणों में शुरू किया गया है। इनमें से पहला चरण सोलन से परमाणु तक लगभग पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का काम कैंथली घाट से सोलन के बीच में चल रहा है। इस नेशनल हाईवे पर अंतिम छोर कैंथली घाट से शिमला तक पूरा किया जाना है। इस निर्माण को 2 चरणों में बांटा गया है। 28.46 किलोमीटर के इस हिस्से में 27 पुलों और 5 सुरंगों का निर्माण होना है।